हेलो स्टूडेंट्स, आगे के लेक्चर में जो मैंने आपको पढ़ाया था वो आपने पूरा रीड कर लिया होगा टेक्स्ट बुक से। और उसमें हमने किस चीज़ के बारे में बात की थी, खास करके एनर्जी बैंड डायग्राम के लिए बात की थी कि नीचे जो होता है वो पूरा वैलेंस बैंड होता है और ऊपर जो होता है वो पूरा कंडक्शन बैंड होता है। जो एटम होता है उसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम किस बैंड में दिखाते हैं, वैलेंस बैंड में। और हम बोल सकते हैं कि अगर वैलेंस बैंड से किसी इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाना है तो उसे वो गैप जो है वो क्रॉस करनी पड़ेगी, और वो जो गैप है उसे हम क्या बोलते हैं, फोरबिडन गैप और एनर्जी गैप बोल सकते हैं। तो ये चीज़ हमने पूरी पढ़ी हुई है। तीन के लिए बात की थी, मेटल्स के लिए, इंसुलेटर के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए। हमें पता है कि सबसे जो कम एनर्जी गैप होता है वो किस चीज़ में होता है, मेटल्स में, और सेमीकंडक्टर में मेटल से ज़्यादा एनर्जी गैप होता है, और इंसुलेटर जो है उसमें एनर्जी गैप इतना ज़्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसे क्रॉस नहीं कर सकते और उसमें जो है हम करंट फ्लो नहीं होता इंसुलेटर में। ओके, ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। अब हम पूरी जो बात करने वाले हैं वो सेमीकंडक्टर के लिए बात करने वाले हैं। तो पूरी जो चीज़ है कि हम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर की बात करें, और मतलब सिलिकॉन या जर्मेनियम ले सकते हैं उसमें हम, और उनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं। ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, मतलब कि उसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने जो सिलिकॉन लिया है तो पूरे जो n एटम्स होंगे वो पूरे सिलिकॉन्स के ही होंगे। अगर जर्मेनियम लेते हैं तो सारे जर्मेनियम के ही एटम्स हैं। तो वो जो सेमीकंडक्टर होता है उसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं। तो ये अगर हमारे पास ऐसा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो उसमें करंट कैसे फ्लो होता है वो चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो पहले अगर मैं बात करूँ तो जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी वही चीज़ मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 14 है, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि उसकी जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है वो n इज इक्वल टू 3 है, और उसमें टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि एक जो सिलिकॉन है वो बाकी 4 सिलिकॉन, अपने जो नेबरहुड में जो सिलिकॉन्स होंगे वो 4 सिलिकॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है और उससे वो जुड़ सकता है। ओके, अगर हम वही चीज़ को ऐसे इमेजिन करें अगर 3 डायमेंशन में, तो ये सिलिकॉन जो है वो मैंने क्यूब के यहाँ पर सेंटर पर रखा हुआ है, तो 4 बाकी जो सिलिकॉन्स हैं उसे हम वर्टाइसिस पर रख सकते हैं, और ये जो है उनके बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो मैंने दिखाया है। तो मतलब कि ये पूरी 3 डायमेंशन में चीज़ होती है। अगर हम फिर से यहाँ पर एक क्यूब रखें और सोचें कि ये उसके सेंटर पर है ये सिलिकॉन, तो वो भी और 4 सिलिकॉन के साथ जो है वो कनेक्ट हो सकता है। तो अगर हम यही जो पूरी चीज़ है वो रिपीट करते जाए तो पूरा जो स्ट्रक्चर होगा वो क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, है ना। तो ऐसा पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। किसके लिए, सिलिकॉन के लिए भी, जर्मेनियम के लिए भी बन सकता है और कार्बन के लिए भी बन सकता है, लेकिन जो करंट फ्लो हो सकता है वो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में हो सकता है, कार्बन में क्यों नहीं हो सकता वो बाद में हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि ये पूरा उसका स्ट्रक्चर होता है। ये हमने 3 डायमेंशन में बताया है। वही चीज़ अगर हम बात करें तो ये पूरा जो लेटाइल स्ट्रक्चर है वो हमने बताया, तो वही चीज़ हम अगर 2 डायमेंशन में बताएं तो ऐसे बोल सकते हैं, वो आगे भी मैंने आपको बताया था कि ये सिलिकॉन है तो वो बाकी 4 सिलिकॉन के साथ कनेक्ट हो सकता है। अगर मैं फिर से अगर आपको बात करूं तो ये सिलिकॉन है वो और 4 सिलिकॉन के साथ, ऐसे हम बोल सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बना सकता है, और ये सिलिकॉन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स देगा, एक यहाँ, एक दूसरा यहाँ देगा, तीसरा और चौथा। और ये सिलिकॉन जो है ये मैं किस टेम्परेचर पर बात कर रही हूँ, लो टेम्परेचर, मतलब कि हम एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर बात कर सकते हैं। और ये सिलिकॉन के पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसमें से वो एक यहाँ देगा, दूसरा, तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ऐसे जो है वो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर ये कंडीशन होती है कि एक सिलिकॉन बाकी के 4 सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर उनके साथ, वो नेबर में जो सिलिकॉन्स होते हैं उनके साथ वो जुड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा, वो एज अ इंसुलेटर हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है,
अगर आप कॉपर के लिए और ऐसे सोचें तो आपको पता होगा कि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली मूव कर सकते हैं और उसमें करंट फ्लो हो सकता है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, अगर हम इसी को, अगर हमारे पास ये जो पूरा लेटाइस स्ट्रक्चर है उसे हम जीरो केल्विन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पर ले जा सकते हैं, मतलब कि टी ग्रेटर देन जीरो केल्विन, अगर हम बात करें कि रूम टेम्परेचर पर इसे हम ले जाते हैं तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड में हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, उनको जो है वो जो टेम्परेचर की वजह से थर्मल एनर्जी मिलेगी, और थर्मल एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, इनमें से कुछ जो बॉन्ड हैं वो ब्रेक हो जाएंगे और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हो जाएंगे। तो ये जो बाहर निकल गए बॉन्ड में से, उनको हम कैसे इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए ये दोनों सिलिकॉन के पास टोटल दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वैकेंसी हो गई, वो जगह खाली पड़ गई, है ना। तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए लेकिन नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, वहाँ पर वैकेंसी हो गई। तो यहाँ ये जो बना उसे हम बोलेंगे होल। होल जो है वो रियल में कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई रियल पार्टिकल नहीं है होल। मतलब होल हम क्या दिखाने के लिए वो यहाँ पर रखते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसकी एब्सेंस है, वो दिखाने के लिए यहाँ पर हम होल दिखाते हैं। ओके, मतलब होल जैसा रियल में कोई पार्टिकल नहीं है, ये आप ध्यान में रखना कि ऐसा नहीं होगा कि कोई लेटाइस होगा और उसमें बीच बीच में ऐसे ऐसे होल्स होंगे, ऐसा नहीं होगा। ये होल किस लिए हमने बताया कि यहाँ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए लेकिन है नहीं, नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर होल दिखाया है। ओके, ये आप चीज़ दिमाग में रखना। तो होल कैसे बना, आपको समझ में आया कि जब हमने जो सिलिकॉन का पूरा जो लेटाइस स्ट्रक्चर था उसे हम कहाँ पर ले गए, जीरो केल्विन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पर, मतलब कि रूम टेम्परेचर पर अगर हम ले जाते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको थर्मल एनर्जी मिलती है और वो जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाते हैं, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और उनकी जगह पर इलेक्ट्रॉन की जो वैकेंसी बनी तो उसे हम क्या बोलते हैं, होल। ओके, तो ये जो होल्स होते हैं वो रियल में कोई ऐसे कोई पार्टिकल नहीं है, क्लियर। लेकिन अगर आप सोचें तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो होल है वो ऑलवेज क्या कोशिश करेगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा तो ये जो पूरा जो बॉन्ड है वो बन जाएगा दोनों के बीच में। तो ये ऑलवेज क्या कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट ही करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो वो जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो उसका मतलब ये हुआ कि उतना ही वो इसका चार्ज क्या ले सकते हैं हम, पॉजिटिव चार्ज, मतलब होल का जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज हम ले सकते हैं। मैं फिर से मैं बोल रही हूँ कि होल्स जो हैं वो रियल में कोई ऐसे पार्टिकल्स नहीं होते, लेकिन हमने ऐसे दिखाने के लिए ऐसे कंसिडर किया हुआ है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स है किसी तरह वो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है तो ये जो बॉन्ड है वो पूरा हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो होल्स ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्जेस, और नेगेटिव चार्ज को वो अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि होल्स जो हैं वो एज अ पॉजिटिव चार्ज जो है वो बिहेव करते हैं, लेकिन वो है नहीं। ओके, लेकिन ऐसे हम बोल सकते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम माइनस क्यू बोलते हैं तो होल्स का चार्ज हम प्लस क्यू बोल सकते हैं। तो होल्स क्या है वो चीज़ आपको अब दिमाग में समझ में आ गई होगी। ओके, तो अगर हम ऐसी पूरी जो हमारे पास टू डायमेंशन में पूरा अगर हम स्ट्रक्चर जो ले लें, उस जो अभी हम सिलिकॉन के लिए बात करें या जर्मेनियम कोई भी ले सकते हैं, तो आपको पता है उसकी वैलेंसी प्लस फोर है, तो यहाँ पर मैं प्लस फोर से उसे दिखा रही हूँ क्योंकि उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होती है उसमें फोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आपको पता है वो दूसरे के साथ क्या बनाएगा, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ओके, तो मैं ये जो चीज़ है उसे ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है उनके बीच में कैसे बनता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स
बॉन्ड में कैसे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ये जो होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हम दिखा सकते हैं। ये जो पूरी चीज़ है किस टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं हम, फिर से मैं बोल सकती हूँ इसे एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ये टेम्परेचर पर ऐसी कंडीशन है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पर है, कोवेलेंट बॉन्ड में। ओके, अब क्या होगा, हमें तो करंट चाहिए, इसमें कैसे करंट फ्लो होता है वो चीज़ हमें बतानी है। तो देखिए, ये जो पूरा हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें अभी कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। अगर हम यहाँ से उसे कहाँ ले जाएंगे, रूम टेम्परेचर पर, मतलब कि टी ग्रेटर देन टेम्परेचर ग्रेटर देन जीरो केल्विन पर अगर ले जाते हैं तो वही चीज़ हो जाएगी कि यहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें थर्मल एनर्जी मिलेंगी और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री हो जाएंगे और यहाँ पर बॉन्ड में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी हो जाएगी जिसे हम होल्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे दिखा सकती हूँ कि सपोज ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और यहाँ पर होल्स बन गए। ओके, आपको पता है जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। करंट अगर आपको चाहिए तो आपको पता है कि सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ये दोनों साइड पर पोटेंशियल डिफरेंस हम लगा सकते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं कि बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैंने बैटरी कनेक्ट की, सपोज उसका पॉजिटिव इस साइड है और नेगेटिव इस साइड है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यहाँ पर हमने लगाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो नेगेटिव हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव की तरफ जो है वो मूव करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स, जो उनका नाम क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको समझ में आया, एक तो आपको करंट मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो उनकी वजह से करंट फ्लो होगा और उनकी वजह से जो करंट फ्लो होगा उसे हम IE से डिनोट कर सकते हैं। समझ में आया क्या बोला मैंने आपको, कि ऐसे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई करते हैं, या तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं सेमीकंडक्टर को, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को उस तरफ जाने के लिए उसको एनर्जी मिल गई और वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जो है वो मूव करेंगे और उसकी वजह से करंट फ्लो होगा। तो हमें जो करंट मिला यहाँ पर वो पहला किसकी वजह से मिला, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और वो करंट जो है उसे हम IE बोल सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? ओके, देखिए दूसरी की जो चीज़ है वो साथ में क्या होगी, वो ऐसे होगी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड में हैं उन्हें हम बाउंड चार्जेस बोल सकते हैं या बाउंड इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा। आपको पता है F इज इक्वल टू QE, मतलब उन पर भी फोर्स लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन भी क्या कोशिश करेंगे कि वो भी पॉजिटिव जो है पॉइंट उसकी तरफ चले जाए, है ना, तो उनको भी मूव करना है। लेकिन आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास ज़्यादा एनर्जी नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रह सकते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड में हैं और उनके पास कोवेलेंट बॉन्ड में रहने जितनी ही एनर्जी है, तो वो वहीं पर ही रहेंगे, मतलब कि उनको मूव तो करना है लेकिन उनके पास कोई स्पेस नहीं है। तो वो क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, यहाँ से नज़दीक के होल में जा सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा तो ए इलेक्ट्रॉन भी यहाँ मूव होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वैकेंसी हो गई, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, होल, तो वो होल भरने के लिए पीछे से कोई भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, है ना, तो फिर वो वहाँ पर होल हो जाएगा, वो होल भरने के लिए फिर से कोई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये जो है ये चीज़ पूरी जो है वो चलती रहेगी। तो मतलब कि यहाँ पर बोल सकते हैं यहाँ पर कि दूसरी किसकी वजह से करंट फ्लो होगा, आपको पता है इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे मतलब कि करंट फ्लो होगा, तो एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे और करंट फ्लो हो रहा था, साथ साथ दूसरी चीज़ क्या हो गई कि ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसे हम बाउंड इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, तो वो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी करंट फ्लो होगा। ओके,
तो यहाँ पर दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो थर्मल एनर्जी की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड से पहले ही बाहर निकल चुके हैं और उनकी वजह से एक तो करंट फ्लो हो रहा है, और दूसरा जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, वो अपने नज़दीक के होल में जाते हैं और वो जो होल होता है वो भर जाएगा और वहाँ पर उनकी जगह पर होल बन जाएगा। तो ऐसे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वजह से भी करंट फ्लो होगा। ओके, लेकिन आप देखिए ये जो है पूरा बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है, ऐसा लग रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही हम रिपीट करते जाएंगे तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। मतलब कि ये जो बाउंड, अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनका नाम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स रख देते हैं और जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है उनको हम बोल सकते हैं कि ये जो मूवमेंट है इनकी, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, वो किसकी ऑपोजिट मूवमेंट है, तो उनकी ऑपोजिट मूवमेंट जो है वो होल्स की है, ऐसे बोल सकते हैं। देखिए ये चीज़ आप सोचिए, ये जो होल था वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रॉन आ गया, बाउंड इलेक्ट्रॉन, तो ये जो होल था वो भर गया और यहाँ पर क्या बन गया, होल बन गया। ये होल भरने के लिए कोई बाउंड इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, तो वहाँ पर होल बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं और होल्स जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन की ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन मूव कर रहा है, होल्स मूव कर रहे हैं, और वो जो है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की जगह पे ही जाते हैं। देखिए आप, जहाँ से होल जो था वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गया और जहाँ इलेक्ट्रॉन था वहाँ होल बन गया, मतलब क्या हुआ, वो दोनों एक दूसरे की जगह पर ही जाते हैं। तो उसका मतलब हम बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे भी बोल सकते हैं, किसकी मूवमेंट बोल सकते हैं, होल्स की मूवमेंट भी बोल सकते हैं, है ना। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर हम, अगर इसे इजी वे में बोलने के लिए ही हमने ये चीज़ बोली है कि यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। जब हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो हमारे दिमाग में क्लियर है कि वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम होल्स की वजह से करंट फ्लो हो रहा है ऐसे बोले, तो होल्स मतलब कौन से होल्स, होल्स मतलब क्या है, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसको ही हमने ऐसे होल्स से बताया है कि ये होल्स हैं। ओके, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे ही होल्स आते हैं, इसलिए जैसे हम इजीली इसे बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं यहाँ दूसरा करंट किसकी वजह से मिला है, होल्स की वजह से। तो यहाँ पर जो टोटल करंट मिलेगा हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से और होल्स की वजह से, दोनों की वजह से मिल रहा है, ऐसे हम बोल सकते हैं। और एक चीज़ आप और भी देख सकते हैं कि अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए उसमें जो है वो जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं उतने ही होल्स हैं, दोनों का नंबर जो है वो सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स बोथ आर इक्वल, है ना, एन ई इज इक्वल टू एन एच, हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो है वो पूरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो उसे हम Ni भी बोल सकते हैं। तो हम ऑलवेज बोल सकते हैं कि फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर Ne इज इक्वल टू Nh इज इक्वल टू Ni। जो इनका जो नंबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने फ्री मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही होल्स होते हैं, तो Ne इज इक्वल टू Nh, और दोनों का कॉमन नाम जो है वो हम Ni भी लिख सकते हैं फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, तो ये चीज़ भी आप खास ध्यान में रखना। ओके, तो आपको पता चल गया यहाँ पर कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होगा। फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि आपने देखा कि जो हमारा पूरा जो लेटाइज स्ट्रक्चर हमने जो सोचा वो कैसे बना, कि अगर हम एक जो सिलिकॉन है उसे क्यूब के सेंटर पर लेते हैं, तो बाकी के चार सिलिकॉन उसकी वर्टाइसिस पर ले सकते हैं, और हमने देखा कि पूरा जो स्ट्रक्चर उसे हम ऐसे ऐसे रिपीट करते जाए कि एक सिलिकॉन बाकी के चार सिलिकॉन से कनेक्ट हो सकता है, तो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन गया। ओके, अब अगर हम उसमें बात करें तो जीरो केल्विन टेम्परेचर पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था, तो हमें करंट नहीं मिल रहा। अगर हम बात करें, इसे हमने टू डायमेंशन में दिखाया, और अगर हम बात करें कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसे हम वहाँ से रूम टेम्परेचर पर ले जाते हैं, तो थर्मल एनर्जी मिलने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और उनकी जगह पर इलेक्ट्रॉन की जो वैकेंसी बनती है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, होल्स बोल सकते हैं, जो एज अ पॉजिटिव चार्ज बिहेव करते हैं, रियल में नहीं है लेकिन ऐसे बिहेव करते हैं। ओके, फिर क्या हुआ
कि ये जो चीज़ थी यहाँ पर हमने दोनों जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो अब क्या हुआ, जो पूरे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो पूरे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, तो उनकी वजह से करंट फ्लो होगा। तो एक तो हमें करंट जो मिला IE बोलेंगे, वो किसकी वजह से मिला, ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। दूसरी चीज़ क्या हुई, जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी मूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहाँ जा सकते हैं, वो किसी भी बॉन्ड में हैं, तो वहाँ से अगर वो निकलते हैं तो किसी बॉन्ड में ही वो जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उतनी ही एनर्जी है। आप जो हैं, अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं तो 12th में क्लास चेंज कर सकते हैं, 12th से सीधे रिजल्ट की पहले जो है वो कॉलेज में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास जो क्वालिफिकेशन वो कितनी है, 12th में रहने जितनी ही है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको बॉन्ड में रहने जितनी ही एनर्जी है उनके पास, तो वो नज़दीक के बॉन्ड में चले जाएंगे। तो ये जो चार्जेस जो है उनको हम बाउंड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ओके। और उनकी जगह पर होल्स बन जाते हैं, ये होल भरने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन वहाँ पर आता है। तो होल्स जो है वो इस तरफ, मतलब नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, ओके, ऐसे भी बोल सकते हैं ना, इसलिए हम उसे पॉजिटिव वो चार्ज जैसे बिहेव करते हैं ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें करंट मिला, किनकी वजह से, बाउंड इलेक्ट्रॉन की वजह से, लेकिन उनको ही हमने करंट किसकी वजह से मिला ऐसे बोला, होल्स की वजह से। क्यों? क्योंकि बाउंड इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे की जगह पर ही जाते हैं और अपोजिट डिरेक्शन में वो जो है वो मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, तो होल्स उसकी अपोजिट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। क्लियर? तो टोटल जो करंट है वो हमें कितना मिला, दोनों का टोटल, इलेक्ट्रॉन की वजह से और होल्स की वजह से, इतना टोटल करंट हमें मिल गया, ओके। और हमने एक चीज़ भी यहाँ पर नोट की कि अगर हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं इस क्यूब में उतने ही नंबर ऑफ होल्स हैं, और इसलिए हम बोल सकते हैं Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni, आई फॉर इंट्रिंसिक हमने बोला है। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन निकला और वहाँ पर क्या बन गया, होल। तो ये जो है वो पूरा, ये एक इलेक्ट्रॉन और होल ऐसे एक पैर बनी, और ये जो होल था वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसका रिकम्बिनेशन हो गया, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो ऐसे जो है वो पूरा करंट फ्लो होता है। यही चीज़ हमें अगर हमें बैंड डायग्राम में दिखानी है, देखिए ये क्या हुआ, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन, और फिर उसमें ये होल बना, होल में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उसका क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन, ओके। ये पूरी चीज़ जो है वो कॉन्स्टेंटली चलती रहती है और हमें करंट जो है वो मिलता रहता है। यही चीज़ जो है हम बेन डायग्राम में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार आपको बता देती हूँ कि जो नीचे जो पूरा होता है वो कौन सा बैंड है, वैलेंस बैंड, जिसमें जो है 4n इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पूरा जो बैंड है वो 0 केल्विन टेम्परेचर पर भरा हुआ होता है, और ऊपर जो है वो पूरा कौन सा बैंड है, ये कंडक्शन बैंड, और 0 केल्विन टेम्परेचर पर वो खाली है, दोनों के बीच में क्या है, जो एनर्जी गैप। ये कौन सा टेम्परेचर था, एट 0 केल्विन टेम्परेचर, ओके। अब हम बात करें अगर 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर के लिए बात करें, T ग्रेटर देन 0 केल्विन, तो वैलेंस बैंड भी है यहाँ पर, कंडक्शन बैंड भी है, ओके, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड से कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, होल्स बन जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उस वहाँ पर उनकी जगह पर होल्स बन जाते हैं, और वो होल्स भरने के लिए नीचे से इलेक्ट्रॉन्स मूव करके जाते हैं। तो ऐसे जो है वो करंट फ्लो होता है। और आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि कंडक्शन बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस बैंड में उतने ही होल्स हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स बोथ आर सेम इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ओके। तो ऐसे हम बैंड डायग्राम से भी यही चीज़ बोल सकते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसके लिए हम बात कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 14.1 देखिए, इसमें बोला है हमें कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव सेम लेटाइस स्ट्रक्चर,
Why is carbon insulator while silicon and germanium intrinsic semiconductors? देखिए ये तीनों जो है उनका जो लेटाइस स्ट्रक्चर है वो सेम है. अगर हम बात करें कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक मास नंबर क्या है? 6, है ना. कार्बन का एटॉमिक मास नंबर 6 से 12, मतलब कार्बन का एटॉमिक मास नंबर है 6. अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो वो है 14, और जर्मेनियम की बात करें तो वो है 32. तीनों की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम लिखते हैं, तो यहाँ पर इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगी वो n इज इक्वल टू 2 होगी, यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 होगी, और यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 होगी. मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन में क्या है, न्यूक्लियस से बहुत ही नज़दीक है. तो उसका मतलब ये हुआ कि उसमें से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अगर हमें बाहर निकालना है तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए. इतनी एनर्जी जो है वो इजीली हम नहीं दे सकते. तो मतलब कार्बन जो होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हो सकते. तो मैंने आपको आगे भी बताया था ऑलमोस्ट 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप होता है. तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते, मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता. अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें, तो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो हम अगर हम बात करें जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो n इज इक्वल टू 3 में है, और इसमें n इज इक्वल टू 4 में. तो इसमें सबसे कम जो है वो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए एनर्जी चाहिए. क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस से दूर हैं, तो इजीली हम उनको निकाल सकते हैं. तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो कार्बन है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो वो एज ए इंसुलेटर बोल सकते हैं उसमें से, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो सकता. उससे ज़्यादा अगर हम बात करें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है उसमें करंट फ्लो हो सकता है. सबसे इजीली जो है वो जर्मेनियम में से इलेक्ट्रॉन्स हम बाहर निकाल सकते हैं. उनको उनके इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए कंपेयर टू सिलिकॉन. ओके, तो ऐसे हम हमारा आंसर बोल सकते हैं. क्लियर? तो ये चीज़ जो है आप वो लिख लेना आप अपनी बुक से, और पूरा जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेना. आज मैंने जो है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए बात की और आपको बताया कि कैसे उसमें करंट फ्लो होता है. नेक्स्ट लेक्चर में उसमें हमें अगर ज़्यादा करंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, वो चीज़ के लिए बात करेंगे.